असल को दोस्तों जी, आज का हमारा मौजू है वो है सोहबत का असर। बहुत ज़बरदस्त मौजू है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि वीडियो छोटे साइज़ की रहे ताकि आप लोग इसको पूरा देख सकें। हम ये मौजू शुरू करने से पहले एक बादशाह का जिक्र करते हैं। एक बादशाह को मालूम हुआ कि उसकी रियाया के अंदर एक बहुत ही जहीन आदमी है, बड़ा मर्दम शनास है। वो न सिर्फ इंसानों को बल्कि वो जानवरों को, पौधों को, बिल्डिंगों को, इन सब को वो देखता है और उनका बैकग्राउंड उसे पता चल जाता है कि पीछे क्या हुआ था। अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक जो है ना वो सलाहियत ज़्यादा रखी हुई है। उसने उसको ऑफ़र किया और उसको अपना मुशीर बना लिया। लोगों कहने से मुशीर तो बना लिया, लेकिन हुआ ये कि बादशाह तजज्जुब में था, कह रहे जब मैंने मुशीर बनाया है पता नहीं इसको काम आता भी है नहीं आता। ऐसा नहीं कि आजकल की इतना लॉबिंग हुई भी हो और जो है किसी ने उसके हक़ में बात की और मैंने कन्विंस होकर उसको मुशीर बना लिया। उसने उसे टेस्ट किया, उसने कहा देखो मेरे पास एक अरबी नस्ल का घोड़ा है और तो अब बताओ ये कि इसके मुताबिक तुम क्या जानते हो। तो उसने एक दिन का टाइम मांगा और घोड़े के पास चला गया। उसने तो घोड़े की स्टडी की। अब गौर सुनिएगा, सोहबत के असर पे बात कर रहा हूँ। एक दिन के बाद बादशाह के पास आया और बादशाह से कहा कि जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, जैसे पुराने ज़माने में वाक़ा हुआ करते थे, ये प्रैक्टिस थी। बादशाह ने कहा जी बिल्कुल आपको इजाज़त है। उसने कहा बादशाह सलामत, ये जो घोड़ा है ना इसकी तरबियत अरबी घोड़ों के साथ नहीं हुई हुई है, बल्कि जो इसकी तरबियत है यानी इसका जो सोहबत है या इसका जो रहन सहन है वो हुआ है गाय और भैंसों के साथ। बादशाह तो एकदम हिल गया, वो तो उसको बहुत आला नस्ल का घोड़ा समझता था। तो उसने कहा कि तुमने ये पहचाना कैसे कि ये घोड़े की जो तरबियत ये सोहबत रही है वो गाय और भैंसों के साथ रही है। उसने कहा साहब घोड़ा जो है ना वो बड़ा जो है वो बहादुर जानवर है, और आपने देखा होगा कुरान के अंदर भी वलादियात दफन के नाम से जो है वो सूरह वलादियात जो है पूरी की पूरी नाजिल है, घोड़ों के ही किस्से से हुई है। तो घोड़ा तो बहुत है और क़यामत तक का है इसके अंदर जिक्र घोड़ों का, और बहुत सारी हदीसें घोड़ों के ऊपर हैं। तो घोड़ा तो बड़ा बहादुर जानवर है। उसने कहा ये घोड़ा इतना बहादुर जानवर है, लेकिन आपका जो घोड़ा है ना जब ये घास खाता है तो ये घास खाने के बाद बजाय आसमान पे अपना सर करके और झुरझुरी लेने के और हिलने के हनहनाने के जैसे बजाय ये ज़मीन की तरह घास ही की तरफ जो ना इसकी गर्दन रहती है, जो कि घोड़ों की सोबत का असर नहीं लगती है। लगती है ये मवेशियों के साथ रहे, ये गाय और भैंसों के साथ रहे। बादशाह ने उसकी बात की जब तहकीक की तो पता चला कि वाकई में वो घोड़ा जो था ना वो किसी भी वजह से वो घोड़े की जिस वक्त पैदाइश हुई उस वक्त उसकी माँ मर गई, तो उसने जो ना बजाय तो उसने क्या किया उसे गाय और भैंसों के साथ रखा। जब गाय और भैंसों के साथ रखा तो उसकी खसलत जो थी वो गाय और भैंसों वाली हो गई। वो जो घोड़ा आसमान को देखता है और सामने देखता है और बहादुर दिखाता है और दुश्मन को जो ना वो कुचलने की कोशिश करता है, वो खसलतें उसके अंदर नहीं थी। हमारा फिर याद रखें आज का मौजू है सोहबत का असर। आज आप देखें चाहे फ़र्द हो, चाहे ख़ानदान हो, चाहे महल्ला हो, चाहे कौम हो, चाहे मुल्क हो, चाहे दुनिया के दीगर कौमें हों, एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो है हमारी सोहबतें। हमारी जो नई नस्लें हैं वो अपनी अपनी सोहबतों में ऐसी हो गई हैं कि ना उनको कुछ हमने शऊर दिया ना ही उनको शऊर है कुछ, ठीक है ना। और इस तरह क्या हो रहा है कि सारी दुनिया में नस्लें जो अपने वो बड़ों के हाथों से ऐसे ऐसा निकल रही हैं और बड़े जो है वो भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिए एक बड़ा ज़बरदस्त हदीस है, उसको मैं मफहूम सुनाता हूँ कि अच्छे दोस्त की मिसाल, अच्छे दोस्त की मिसाल जो है ना वो इतर फरोश जैसी है। इतर आपने देखा होगा ना हम खुशबू कहते हैं, अगर आप उस इतर फरोश से दोस्ती करेंगे तो नंबर एक तो ये मफहूम बता रहा हूँ कि नंबर एक तो आप इतर ख़रीद लेंगे, यानी इसका मतलब आपने उससे इतर ख़रीद लिया तो भी आप खुशबू में रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री इतर फरोश एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री इतर लगाती है। बहुत कम लोग आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, लेकिन इतर फरोश के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सिफत रखी है कि वो जब भी इतर आप चाहे ख़रीदें या ना ख़रीदें वो आपको वैसे कॉम्प्लीमेंट्री एक इतर जो है आपके कपड़ों पर या आपके जो है ना वो कलाई के ऊपर लगा रहे होते हैं। तो अगर आप इतर नहीं भी ख़रीदेंगे तो आपको क्या करेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री इतर ही लगा देगा अच्छा दोस्त। और अगर वो इतर भी नहीं लगा रहा कोई मेरी तरह कंजूस है थोड़ा सा, तो क्या होगा कम से कम खुशबू तो आएगी। तो अच्छे दोस्त से आपको तीन फायदे में से तीन फायदे मिलने, और बुरे जो दोस्त है उसकी मिसाल जो है वो भट्टी झोंकने वाले किसी है, समझे तंदूर झोंक रहा है, फर्श करें भट्टी झोंक रहा है। तो नंबर एक तो ये कि जब आप उसके साथ रहेंगे तो चिंगारी उड़ेगी, वो आपको भी जला सकती है और आपके लिबास को भी जला सकती है।
सही है। अगर वो आपके लिबास को नहीं जला रही, आपको नहीं जला रही, तो कम से कम गर्मी और धुआं तो आपको मिल ही रहा है। तो आप ये देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितनी ज़बरदस्त, कितनी हिकमत वाली हदीस है। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें, सारे कौल हिकमत वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन ये हदीस तो आप देखें हमारे आज के माशरे पे फिट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये हदीस कितने हमारे काम की है। हज़रत अली का कौल बहुत ज़बरदस्त है इसी तरीके से कि बुरे इंसान की सोबत से परहेज़ करो, बुरे इंसान की सोबत से परहेज़ करो, क्योंकि वो मिसल तलवार है, वो तलवार की तरह है, देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन उसका असर जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो किस देखे क्या कह रहे हैं, वो उसका असर जो है वो ख़तरनाक है, तो किसकी तरह, तलवार की तरह, तो कितना ज़बरदस्त है। हज़रत रूमी फरमाते हैं यार बद मार बद, ये मैं शेर तो पूरा है लेकिन मैंने कहा आपको छोटा सा हिस्सा बना रहा हूँ। यार बद मार बद, यानी बुरी सोबत जहरीले सांप से ज़्यादा ख़तरनाक है। अब आप देखें अमूमी तौर पे क्या होता है, जो हम मुहावरे देते हैं तो हम उस जैसी देते हैं, यानी इसका मतलब ये था कि हज़रत रूमी को चाहिए था अहम हालात में कि वो कहते हैं कि बुरे सांप की तरह हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा बुरे सांप की तरह, उन्होंने कहा बुरे सांप से ज़्यादा उसका असर होता है। तो आप ये अंदाज़ा करना है। हज़रत यह शेख सादी की बात कर रहे थे, हज़रत रूमी ने भी बड़ा ज़बरदस्त शेर कहा। हज़रत रूमी ने जो शेर कहा वो उन्होंने अपनी ज़ुबान में कहा, लेकिन मैं उसका मफहूम बताता हूँ कि नूह का बेटा बुरे लोगों में बैठा, तो नूह का बेटा बुरे लोगों की सोबत में पड़ा और ख़ानदान नबूवत से बाहर हो गया, उनको ऊन करने के कोई भी तैयार नहीं है। बल्कि सर नूह ने भी कुरान में जब ये आया हुआ है कि जब अल्लाह ताला से कहा तो अल्लाह ताला ने थोड़ा जो है वो नाराज़गी का इजहार किया कि आप उसके लिए कोई सिफारिश ना करें। नूह का बेटा बुरे लोगों की सोबत में पड़ा और ख़ानदान नबूवत से बाहर हो गया, और असहाबे कहफ जो आपने देखा ना, जो 15वां सिपारे में सूरह कहफ है, उसमें पूरा क़िस्सा है कुछ नौजवानों का भी और उनके कुत्ते का भी। तो असहाबे कहफ का कुत्ता नौजवानों नेक नौजवानों के साथ रहा और क़यामत तक के लिए अमर हो गया। देखिए जितने मजाहब हैं इस वक्त के, वो सभी उस कुत्ते के मुताबिक जानते हैं, उसके साथ हमदर्दी रखते हैं। हालांकि कुत्ता एक जो है वो एक ऐसा जानवर है जो लोग उससे किरायत खा रहे होते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये ज़िम्मेदारी किसकी है कि लोगों पर नज़र रखे, ये ज़िम्मेदारी किसकी है कि वो लोगों की सोबत पर नज़र रखे। इस पर भी बड़े इसका जवाब भी हमें एक हदीसी को की मफहूम में मिल रहा होता है। असल में वो मफहूम हदीस में है कि तुम में से हर आदमी ज़िम्मेदार है, तुम में से हर आदमी ज़िम्मेदार, इसका मतलब है हर इंडिविजुअल भी ज़िम्मेदार है कि वो अपने रोज़ाना शीशे के सामने खड़ा हो और देखे कि वो खुद कैसा है, उसकी सोबत कैसी है, अच्छी सोबत है या बुरी सोबत है। अच्छी सोबत है तो अच्छों में शुमार होगा, बुरी सोबत तो बुरी, तो इसका मतलब हर आदमी, तो दुनिया की जितनी भी 6.5 अरब की आबादी है सब ज़िम्मेदार है, एक बात। उसका दूसरा हिस्सा है, और हर आदमी अपनी रियायत या मातहत समझ लें या डिपेंडेंट समझ लें के बारे में जवाब दे। इसका मतलब है जो भी हेड है, कोई अगर घर का हेड है तो घर के मुताबिक, कोई इदारे का है तो इदारे से मुताबिक, कोई मुल्क का है तो मुल्क से मुताबिक, सब जो है ना वो आंसरेबल होंगे। इसका तीसरा हिस्सा है, मर्द अपने घर वालों पर और औरत अपने शोहर के घर और बच्चों की ज़िम्मेदार है। तो ये भी हमारा तायुन हो गया, जो हम अक्सर कह रहे होते हैं ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। घर में लड़ाई हो रही होती है, जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो बाप जो है ना माँ पे डालता है कि मैं तो नौकरी करता था, तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी, और माँ कहती है मैं जो है ना रोटी पकाती, सफाई करती, तुम्हारे घर का ख्याल रखती है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी। लिहाजा ये सबकी ज़िम्मेदारी है, बाकी मज़ीद जो है माइक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो अल्लाह ताला के रसूल ने जो है वो इसके अंदर बयान कर दी है। इसका हासिल कलाम क्या है, इसका हासिल कलाम बड़ा आसान है। इसका हासिल कलाम ये है कि आपको किससे मोहब्बत है और आपकी नज़र में कौन अहम है। तो आपकी नज़र में सबसे अहम तो वो है जो आपको शीशे में नज़र आता है, तो शीशे में कौन नज़र आता है, आप नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने आप को बुरी सोबत से उतार निकालें, अगर आप खुदा ना खास्ता इसमें शामिल हैं और अच्छी सोबत में लेके जाएं, एक बात हो गई। फिर आप किससे मोहब्बत करते हैं, अपने औलाद से करते हैं, अपने जो है ना वो बहन भाइयों से करते हैं, बहन और दूसरे लोगों से करते हैं, ऑफिस वालों से भी उनसे तो होती है, महल्ले वालों से को भी का भी ख्याल रख रहे होते हैं, दोस्त अहबाब हैं। हम सब जो है एक मुहिम चलाएँ और लोगों के किरदार को बेहतर करने के लिए उनकी सोबतों पर जो है नज़र रखें,
और सोबतों की फिक्र करें उनकी, जब सोबतों की फिक्र होगी, सोबतों पे नज़र होगी, तो जो बुराइयाँ फैल रही हैं ये इसमें कमी पेश हो जाएगी। आज हम कहते थे करिकुलम की जिम्मेदारी है, जिन्हें जो है ना कोर्स ऑनलाइन ये किताबें जो है ना वो इंसान को डॉक्टर, इंजीनियर और बैंकर और फौजी तो बना रही हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बना रही हैं। ये किताबों की जिम्मेदारी नहीं है, ये घर से शुरू होती है और हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको अपनी मर्ज़ी का टॉपिक जो है ना वो पसंद आया होगा। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है ना। तब अगले चैनल, अगले सेशन के लिए अस्सलाम वालेकुम।